नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन को 2 महीने से ज्यादा का समय हो गया है और ऐसे में अलग अलग खबरें देखने को मिली। अब सिंघू बॉर्डर पर एक किसान अपना 1.5 करोड़ रुपए की कीमत का भैंसा लेकर प्रदर्शन करने पहुंचा है। भाई साहब जोगिंदर नाम है मेरा, नांगड़ कला गांव है, राई तहसील सोनीपत डिस्ट्रिक्ट। भाई साहब कर्ण नाम इसका, 25 लीटर इसकी मांग, नीचे दूध है, युवराज का बच्चा है, 1 करोड़ कीमत इसकी, किसान आंदोलन ले रखा है 1 महीने से मैंने इसको। अच्छा, इसका मकसद क्या है किसान आंदोलन? ये सरकार जो काले कानून लगा रखे, कुछ शर्मा गए, कुछ इसको फैली कैंसिल ही कर दिए, ये मकसद अपना। ये किसान हरियाणा के नांगल कला गाँव का रहने वाला है और अपने भैंसे के साथ यहाँ पहुँचा है। इस भैंसे की कीमत 1.5 करोड़ रूपए बताई जा रही है। इस भैंसे को हरियाणा में झोटा बोला जाता है और इस भैंसे का नाम करण है। ये भैंसा 5 लीटर दूध, बिनौले चने का चारा एक दिन में खाता है। इसके लिए गद्दे चारे का सब इंतजाम करके ये किसान सिंघू बॉर्डर पर पहुंचा है और तीनों नए कृषि कानूनों के खिलाफ अपना विरोध जता रहा है। इस भैंसे के साथ यहाँ जमा लोग सेल्फी भी ले रहे हैं। इस किसान का कहना है कि वो पिछले कई दिनों से आंदोलन में शामिल था, अब वो अपने भैंसे को भी आंदोलन में ले आया है। बता दें, पिछले 2 महीने से नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के बॉर्डरों पर किसान आंदोलन जारी है और अब ये किसान भैंसे को भी आंदोलन में ले आया है। नवोदय टाइम्स के लिए करुण ठाकुर के साथ अनिल अत्री की रिपोर्ट, दिल्ली।